सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ पीएससी भर्ती को लेकर। आप देख सकते हैं पीएससी भर्ती का जो प्रारंभिक परीक्षा है 12 फरवरी को मुख्य परीक्षा के लिए 3150 होंगे चयनित, और सिविल परीक्षा यानी कि सर्विसेज के 210 पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा। प्रीलिम्स के लिए 1.30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 1.30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिएगा राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए प्रारंभिक परीक्षा आपका 22 फरवरी को होगी, जिसमें सिविल सर्विसेज के 210 पद। कितने? 210 पद। साथ ही प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा आवेदकों को याद किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर 1.30 लाख फॉर्म से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं, और अभी तक आवेदनों की संख्या और बढ़ेगी। पिछले बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1.29 लाख फॉर्म मिले थे, जबकि इस बार 1.30 लाख फॉर्म मिल चुके हैं। बात करें कि कुल पदों की तुलना में 15 गुना उम्मीदवारों को चयन होगा, यानी कि 210 पदों के अनुसार मुख्य परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या आवेदन होने की वजह से इस बार उम्मीदवारों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि आप देख सकते हैं कि आरक्षण रोस्टर के बगैर ही विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही आवेदन की जो आखिरी तारीख है आपका 20 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, और साथ ही यानी कि कल तक आपको समय दिया गया था, आज आपका 21 दिसंबर है, ठीक है, और 20 दिसंबर तक लास्ट फॉर्म था। अब बात करें कि फरवरी 2023 को होगी परीक्षा। आवेदक से संबंधित अगर किसी भी जानकारी का अगर जानकारी चाहते हैं तो www.pscgovernment.in पर अपलोड कर दी गई है, जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही अब बात करें कि आरक्षण रोस्टर के बगैर ही विज्ञापन जारी किया गया है, तो सिविल सेवा के साथ ही व्यवहार यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायाधीश के पदों के लिए भी परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आरक्षण लेकर इसे साफ नहीं किया गया है। फिलहाल पीएससी के पदों को वर्गीकृत नहीं किया गया, इसे लेकर कई विशेषज्ञों ने आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। भाजपा भी इसका विरोध कर चुकी है। साथ ही जानकारों का कहना है कि बिना आरक्षण के पद कैसे बांटे जाएंगे, इसके लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, ठीक है। आरक्षण रोस्टर के बगैर विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही इस विभाग में 19 विभागों में प्रस्ताव के आधार पर यह भर्ती रही है, और पिछली बार की तरह यह इस बार डिप्टी कलेक्टर के लिए 15 पोस्ट हैं, ठीक है, और लेकिन डीएसपी के पद के लिए केवल 8 पद हैं, ठीक है। पिछली बार डीएसपी के लिए कितने थे? टोटल 30 पोस्ट थे। इस बार आपको कहना है कि परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, जल्दी से तैयारी करते रहिएगा। 12 फरवरी को एग्जाम है, पीएससी प्री एग्जाम का। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराई जा रही है, भारत का सामान्य ज्ञान प्लस छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ऐसी और लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही इन्फॉर्मेशन देना था, आप सबको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा।